दोस्तों, मैं ज़ैनुल आबिदीन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने फूड व्लॉगिंग का आगाज किया है, तो आज मैं मौजूद हूँ धर्मपुरा में पप्पू बर्गर पॉइंट पर। और ये यहाँ पर 1993 से जो है वो बर्गर जो है वो बना रहे हैं। जिस वक्त इस पूरे एरिया में कहीं पर बर्गर का कंसेप्ट भी नहीं होता था, उस वक्त से जो है ये बर्गर बना रहे हैं यहाँ पर। और इनका बड़ा सिंपल सा एक रास्ता है कि जब आप मेन अलामा इकबाल रोड पर धर्मपुरे की तरफ आते हैं तो मेन पे हैदरी बोंग पाए है। हैदरी बोंग पाए सड़क के उस तरफ है। ऑपोजिट जो है वो भाई भाई मेडिकल स्टोर के बिल्कुल साथ जो है ये पप्पू बर्गर पॉइंट है। एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे के कह रहा हूँ कि ऐसा टेस्ट पूरे लाहौर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इनके जैसा शामी बर्गर, इनके जैसा डबल अंडा जो चिकन बर्गर है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ ऐसा बर्गर आपको पूरे लाहौर में कहीं नहीं मिलेगा। तो पहले हम इनकी मेकिंग देखेंगे, फिर मैं इनका टेस्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज के भी लोग में जो है वो मेरे साथ जुबैर भाई जो है वो नहीं आए, क्योंकि वो आज कहीं और किसी दावत में जो है वो मसरूफ थे। आपको पता है वो रोटी जो है वो वैसे नहीं छोड़ते, वहां पे जरा रोटी ज्यादा थी इसलिए वो वहां चले गए। तो मेरे साथ आज हैदर मोटा जो है वो मौजूद है, मेरे साथ बिल्डर मौजूद है, ये सूंघेगा बर्गर, ये खाएगा बर्गर, और साथ जो है मेरे साथ ये दांतों वाली मशीन मौजूद है। तो आए हम जो है वो इनकी मेकिंग देखते हैं और व्लॉग का आगाज करते हैं। बर्गर तो हमारे अभी हमने ऑर्डर दे दिया, बर्गर हमारे अभी आने वाले हैं, लेकिन उससे ज्यादा मजे की बात यह है कि ये जो हैदर भाई बैठे हुए हैं ना, ये शाम 5 बजे के आके मेरे घर बैठे हैं कि भाई कब जाना है बर्गर खाने के लिए। और अभी तक ये देखें आप, वो यहाँ पे बैठे हैं, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखें, शर्म नहीं आपको नजर आएगी चेहरे के ऊपर। और उससे ज्यादा मजे की बात क्या है कि ये तो जुबैर भाई का पार्ट 2 है। जुबैर भाई को भी पीछे काट गए, बड़े होकर मुस्तकबिल में जुबैर भी बनेंगे। अब इसे वैसे पूछते हैं, हैदर भाई आप किस लिए आए हैं? हैदर भाई खैरियत से आए? मैं तो बर्गर खाने आया हूँ। मुफ्त का नहीं पैसे नहीं है। मैं बीवी के नाल बैठे हुए सन, ये कहते ने अगर ये मेरे हाथ में मुल्क का निजाम आ जाए ना तो मैं सारा हुकूमत सही कर दूंगा। तो इनकी बीवी क्या कहती है, पहले अपनी शलवार तो बदलो, सुबह की मेरी पागे घूम रहे हैं तू। बाकी अदर भाई दरअसल झूठ है, दरअसल झूठ है, आपको बदनाम करने की साजिश है। आप बेगम की शलवार पहन के घूमते रहते हैं घर से। गाइस ये वैसे छोटा सा हंसी मजाक था। ये देखें, ये देखें जरा इधर, ये देखें, ये भी बर्गर खाएगा। ये देखें जरा इधर, देखें, ये देखें, ये भी बर्गर खाएगा। आप अंदाजा ये लगाएं कि इसका मुंह खुलेगा बर्गर खाने के लिए। अरे छाल मारनी गाइस वेटिंग बर्गर दे। तो सबसे ज्यादा मजेदार बात गाइस इनकी ये है कि यहाँ पर इन्होंने इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया हुआ है, और ये नेक्स्ट कोला को जो है वो यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। और ये बहुत कम फास्ट फूड वाले ये काम कर रहे हैं। तो मेरी नेक्स्ट कोला के ओनर से भी जो है वो गुजारिश है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली, अगर वो आपको इतना बिजनेस दे रहे हैं तो काइंडली आप इनको जो है वो स्पॉन्सर तो कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप इनकी ब्रांडिंग कर सकते हैं आके। तो मेरी नेक्स्ट कोला वालों से गुजारिश है कि अगर नेक्स्ट कोला में से वालों में से कोई मेरी ये वीडियो को देख रहा है तो इनको जो है वो लाजमी प्रमोट करें। अमूमन आप लाहौर में जहां से भी चिकन बर्गर खाएंगे आपको चिकन ब्राय नाम ही नजर आएगा, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि ऐसा चिकन बर्गर आपको पूरे लाहौर में कहीं नहीं मिलेगा। इनका जायका, इनका टेस्ट लाहौर में सबसे ज्यादा मुनफरिद है, क्योंकि इनका सारा मटेरियल होममेड है और ये लोकल घी भी इस्तेमाल नहीं करते बल्कि 30 साल से डालडा इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, इनके प्राइस भी रिजनेबल है, यानी सिर्फ 270 रुपए में आपको एक जबरदस्त चिकन बर्गर मिल जाता है। तो गाइस सबसे पहले खा के फारिग मैं हो गया। मैंने किसी को क्या कहना था, मैं खुद ही सबसे पहले खा के फारिग हो गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इनका जो बर्गर का टेस्ट है वो इतना जबरदस्त है, हाईली रिकमेंडेड है, मैं आप लोगों को ये कहूंगा। बल्कि मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग जब यहाँ पे मेन अलामा इकबाल रोड पर आते हैं तो हैदरी बोंग पाए के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो ये शॉप आपको इनकी नजर आएगी। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आई 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 आई।
गजब बेइज्जती है। हाँ, हमको सिखा रही है। तो गाइस हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर पप्पू भाई के पास आने वाले एक वैल्यूड कस्टमर जो है वो मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि वो कब से यहाँ पर आ रहे हैं और उनको इनका टेस्ट कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम स्वागत। कैसे हैं दोस्त आप? क्या नाम है भाई का? मोहम्मद नदीम नाम है। नदीम भाई कब से आ रहे हैं आप पप्पू भाई के पास और कैसा लगता है आपको इनका टेस्ट? जी तकरीबन इनको 31 साल हो गए यहाँ पे बैठे। 31 साल मेरी एज 42 है और मैं इनके पास कम से कम 15 साल से आ रहा हूँ। मुझे कोई दोस्त लेके आया था इनके पास। मैं गुलबर्ग से काफी जगह ट्राई किया है। इनका शामी बर्गर चिकन भी बहुत अच्छा है, शामी इनका बहुत। अभी भी मैं 17 बर्गर लेने के लिए आया हूँ, ठीक है। पिछले हफ्ते मैं 29 बर्गर लेके गया हूँ। मेरी कोई फैमिली के मेंबर आते हैं। नहीं भी आपको सबसे मजेदार चीज इनकी क्या लगती है जिसके लिए स्पेशली आप खींच के आते हैं इनके पास? इनका जो शामी बर्गर में ये जो काली मिर्चें डालते हैं ना, बहुत ही टेस्टी है। तो हमारे कोई लोग अगर लाहौर के बाहर से ये वीडियो देखते हैं और लाहौर में आकर यहाँ पर अगर कुछ टेस्ट करना चाहे तो आपकी रिकमेंडेशन उनके लिए क्या कि वो आके क्या चीज लाजमी टेस्ट करें इनके? इनका शामी बर्गर, चिकन बर्गर और रेट भी मुनासिब है। भाई साहब कहीं से भी खाएंगे उनसे बहुत ही मुनासिब रेट है। तो शामी बर्गर इनका टेस्ट करें, मजा आएगा। तो गाइज आपने जैसे देखा कि नदीम साहब कह रहे हैं कि इनका जो शामी बर्गर है ना, इनकी रिकमेंडेशन ये है कि लाहौर में आपको ऐसा शामी बर्गर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मौजूद हैं पप्पू भाई और हम उनसे पूछते हैं कि पप्पू भाई के हाथ में ऐसा क्या जायका है कि लोग इनसे इतना प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पप्पू भाई। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? पप्पू भाई ऐसी क्या खास बात है कि लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं? 1993 से आप बैठे हुए हैं और ये 2024 है, तो क्या ऐसी खास बात है कि लोग जो है वो अगर धर्मपुरे में कोई नाम लेता है बर्गर का तो सिर्फ पप्पू बर्गर याद आते हैं? माजी अल्लाह ताला की करम नवा जी है, शुक्र है अल्लाह ताला का। अल्लाह पाक ने इतना जायका दिया हुआ है और ऊपर का ये है कि जो हमारे बर्गर में है ना वो काली मिर्चें ज्यादा होती हैं और गरम मसाला, हरा प्याज, काली मिर्चें, अदरक, लहसुन, माशाल्लाह घर का मटेरियल बना हुआ होता है। अच्छा पप्पू भाई, नॉर्मली हमारे यहाँ ना ये कहा जाता है, बर्गर शवारमे का जिक्र आता है ना, चिकन का जिक्र आता है, लोग कहते हैं मरी मुर्गी पाई होगी बीच। आप फ्रेश मटेरियल वगैरह यूज करते हैं क्या सारा? हाँ जी हाँ जी, माशाल्लाह अलग अलग शुक्र है। ये है कि मरी मुर्गी का कोई नाम ही नहीं है। अगर मरी मुर्गी की होती ना, आज 31 साल हो गए हैं, आज मैंने 5-6 प्लाजे बना लिए होते। एक मैंने कहा ये छोटा का बर्गर है, अड्डा लगाया हुआ है, इतना ही अलग अलग शुक्र है। सर रेट आपके इकोनॉमिकल है, मतलब जो आपका सबसे हॉट आइटम है वो कौन सा बर्गर है जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, लोग ज्यादा यहाँ पे आकर जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कौन सा ऐसा बर्गर है? मेरा सबसे ज्यादा चिकन बर्गर। चिकन बर्गर सबसे ज्यादा लोग ना लाइक करते हैं क्योंकि वो ना भारी बन नहीं होता, माशाल्लाह टिक्की भी हमारी बड़ी होती है और चिकन भी ज्यादा होता है और अपने घर का बना हुआ। आपका चिकन बर्गर कितने का है? मतलब नॉर्मली तो हम यहाँ पे देखते हैं 500, 600, 1000 रुपए तक भी जो है वो चिकन बर्गर होता है, चिकन का नाम भी नहीं होता बीच में। वो कई लोगों ने तो ऐसे वो चिकन की एक पैटी सी रख के बीच में तो उसको चिकन बर्गर का नाम दिया हुआ है। तो अभी हमने टेस्ट किया आपका चिकन बर्गर, इसकी क्वालिटी ऐसी है मैं समझता हूँ पूरे लाहौर में किसी के पास नहीं है। तो कितने का है इसकी, मतलब इसकी प्राइस कितनी है? नहीं नहीं इतना कोई महंगा भी नहीं है, 270 रुपए का बर्गर है। ये है कि मारा बंदा भी खा लेता है, अमीर भी आके खा लेता है। यह कि शुक्र है अल्लाह ताला का, यह कि रेट हमारे कम है। अच्छा आखिरी बात पप्पू भाई, जो लाहौर के बाहर से फर्ज करें जो लोग यहाँ पर आते हैं तो वो आपके पास आके सबसे पहली चीज जो है वो क्या ट्राई करें? अगर कोई लाहौर के बाहर से कोई अगर हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं और स्पेशली वो कभी लाहौर में किसी चीज के लिए विजिट करते हैं तो आके क्या चीज आपके पास सबसे पहले ट्राई करें? हमारे पास माशाल्लाह चिकन बर्गर खाएं। अगर आपको ज्यादा भूख लगी ना तो आप चिकन बर्गर खाएं। एक चिकन बर्गर खाओगे ना आपका पेट फुल हो जाएगा। और ऐसा सालगिरह पे कोई शादी वगैरह के ऊपर अगर आपको स्पेशली बुलाना चाहे, मतलब कोई सालगिरह का कोई इवेंट होता है या कोई शादी ब्याह का इवेंट है, कोई मेहंदी का इवेंट है, वो स्पेशली आपको बुलाना चाहे तो क्या अवेलेबिलिटी है आपकी? हाँ जी हाँ जी, हमारी है। हमारे पास पहले भी कितने ऑर्डर आए हैं, मेहंदियों के ऑर्डर आते हैं समय ज्यादा,
और जो सालगिरह का होता है वो फिर हम पैकिंग करके ना पहुंचा देते हैं बर्गर उन्हें। अच्छा, मतलब जाके लाइव अगर बर्गर करने पड़े तो लाइव नहीं करते आप जाके? नहीं, लाइव भी हो जाते हैं, जब कोई ऑर्डर बड़ा होता है ना मेहंदी का वो हम वहाँ जाके लाइव कर देते हैं, गर्मा गर्म बना के वहीं पे दे देते हैं। सो गाइस, आपने ये चीज देख ली यहाँ पर कि अगर आप जो है वो पप्पू भाई को अपने शादी ब्याह के फंक्शन के ऊपर भी बुलाना चाहें, यानी आपका मेहंदी का इवेंट है या कोई मायो का इवेंट है या कोई इस तरह का बड़ा इवेंट है, तो पप्पू भाई जो है वहाँ पे आकर लाइव बर्गर भी जो है वो लगा सकते हैं और आपको जो है वो बड़ा मजा आने वाला है। मेरी हाईली रिकमेंडेशन है आप लोगों को कि आप मेरे कहने के ऊपर एक दफा यहाँ पर लाजमी आए और इनका बर्गर जो है वो लाजमी टेस्ट करें। बहुत शुक्रिया।